हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ होस्ट। बात करते हैं कल निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है, क्या पॉसिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि एक 1820 से लेके 1840 का जो एक लेवल है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और उसके ऊपर निफ्टी ने सक्सेसफुल क्लोजिंग नहीं दिया। तो आज हमको वहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिली है और इंटरडे के अंदर अच्छा यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। तो पुट्स काफ़ी स्पाइक हुए थे इन बिटवीन। अभी एक ट्रेंडी मार्केट जो साबित हुआ है आज का, कल का हम बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट खुल के कल फिर से अगर 19650 के नीचे निकलता है तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। कल थोड़े छोटे टारगेट रखेंगे इंट्राडे के अंदर और देखेंगे कि एक टारगेट मीट होने के बाद कि निफ्टी के अंदर बाउंस आता है कि नहीं। एक सपोर्ट लेवल जो बन रहा है निफ्टी के अंदर 19580 का सपोर्ट लेवल बन रहा है, जहाँ से निफ्टी ने काफ़ी बाउंस किया है तो वहाँ पर जाके एक बार रुक सकता है। तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है तो हम थोड़ा अवॉइड करेंगे ट्रेड करने का, लेकिन फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो हम पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं। गैप अप खुलता है, गैप अप 730 या 740 के ऊपर खुलता है तो एक बार साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कुछ जो शॉर्ट्स करके गए हैं तो वो कवर करेंगे, थोड़ा बहुत हमको वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलना हमारे लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, फिर हमको वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत ट्रेंडी भी रह सकता है इन बिटवीन। सबसे ठीक सिनेरियो जो होगा, आइडियल सिनेरियो होगा फ्लैट खुल के और जब निफ्टी ब्रेक करता है आज के लोगों, तो सबसे आइडियल सिनेरियो वो रहेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेड करेगा कहाँ ट्रेड कर सकता है। 44,000 का जो सपोर्ट था, जो क्रूशियल जो राउंड नंबर था, उसके नीचे बैंक निफ्टी ने आज क्लोज दिया। तो कल अगर फ्लैट खुल के नीचे निकलता है क्योंकि तो इसका सपोर्ट जोन है, इसमें डाउन साइड ज़्यादा नहीं है। निफ्टी के अंदर आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है, इसमें आप तो अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है 15 मिनट्स आप वेट करेंगे, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो आप एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा गैप अप भी खुलना इसके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, तो साइडवेज रहेगा मूवमेंट। 44,100 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, इसके बीच में निफ्टी बैंक निफ्टी का साइडवेज मूवमेंट भी दिखा सकता है। पर अगर ये ब्रेक करता है 43,800 तो हमको एक पुट साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है और पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे वहाँ पर। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।